आपका मेरे किचन में। और आज मैं बना रही हूँ अमृतसर का फेमस न्यूट्रिला। ये जो न्यूट्री है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनती है जो हम लोग नॉर्मल अपने घर पे बनाते हैं। सबको ही न्यूट्री की सब्जी बनानी तो आती ही है, कोई टफ नहीं है ये। लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट है, कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो करेंगे ना हम लोग तो बिल्कुल अमृतसरी न्यूट्री तैयार हो जाती है। वहां पे ज्यादातर इस न्यूट्रिला को कुलचे के साथ खाया जाता है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ आज न्यूट्रिला की सब्जी बना रही हूँ और इसे मैं गर्मा गर्म पराठों के साथ खाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनती है अमृतसरी न्यूट्रिला की सब्जी। तो अमृतसरी न्यूट्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रिला ले लिया है। ये मैंने 100 ग्राम न्यूट्रिला लिया है, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अभी ये फूल के डबल हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा है, तो जैसे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और अब इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, बॉईल होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे मैं ये जो न्यूट्रिला मैंने लिया था इसको इसमें डाल दूंगी और एक बार इसको बॉईल करने के लिए रखूंगी। तो इसे मैं डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसमें एक बॉईल आने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिला है उसमें एक बॉईल आ चुका है और अब मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसी पानी में ऐसे ही ढक्कन लगा के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से और अच्छे से सोक हो, और फिर उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक साइड में। तो ये देखिए एक दो घंटे के बाद ये ठंडी हो चुकी है। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और जो इसके अंदर पानी है ना इसे अच्छे से हमें निचोड़ लेना है। तो अब हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं और 3 मीडियम साइज के टमाटर और 1 पंच लहसुन है और यहाँ पे 2 हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो इन्हें हम लोग कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्याज है मैंने कट कर दिया है, टमाटर हरी मिर्च और लहसुन इनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। तो अब ये जो ऑयल है ये गर्म होने के लिए मैंने रखा है यहाँ पे। तो ये 2 चम्मच ऑयल था, ये गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और इसे भूनने देते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पे अब मैं ये प्याज डाल दूँगी और इसे अच्छे से हमें भूनना है प्याज को। जो अमृतसरी न्यूट्रिला है ना वो ज़्यादातर अमृतसर में लोहे का जो बर्तन होता है ना, बड़ी सी कढ़ाई, उसमें ये न्यूट्रिला बनाया जाता है। उसमें बनाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास अभी लोहे की कढ़ाई में मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल नॉर्मल कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आयरन के बर्तन में न्यूट्रिला बनाने से। तो ये भून रहा है प्याज, देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, अच्छे से भुन चुका है। और देखिए कितना कम हो गया है, ये जितना ये फ्राई हुआ तो उतना ही प्याज कम हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो मैंने यहाँ पे टमाटर लहसुन और हरी मिर्च की प्यूरी बनाई थी यहाँ पे मैं ये डाल दूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से हमको यहाँ पे इस टमाटर की प्यूरी को पकाना है अच्छे से, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए ये कितने अच्छे से पक रहा है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, क्योंकि टमाटर डाले हैं तो उसके बाद नमक डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये मैंने 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला और यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाला है। और ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है। ये मेरा मसाला अभी तक चल रहा है, जो मसाला मैंने पहले रेसिपी शेयर करी थी, तो बहुत अच्छी खुशबू अभी भी इसकी मसाले की बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप बनाना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा टेक्स्चर हो गया है मसालों का, तो इसे अभी मैं थोड़ी देर और भून लूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रेवी पक चुकी है और साइड से ऑयल सेपरेट हो रहा है जैसे कि दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार है और यही यहाँ पे ग्रेवी पकने की निशानी भी कह सकते हैं कि जब ग्रेवी से तेल अलग हो जाए या कढ़ाई पे ना चिपके तो मसाला तैयार है। अब यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपके टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए और कम खट्टे हैं तो आप यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टैंगी सा टेस्ट हो जाता है चंक्स का, तो ये मैंने इसलिए डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये सोया चंक जो लिए हैं
ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, ग्रेवी के साथ। देखा आपने कितनी टेस्टी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट बचा है, मेन इंग्रेडिएंट, जो कि अमृतसरी न्यूट्रिला का मेन इंग्रेडिएंट है, वो अभी मैं तैयार करूँगी। तो आप चाहें तो सिंपल, अगर आप न्यूट्रिला बनाना चाहते तो ऐसी मसाले वाली सूखी न्यूट्रिला भी बना सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर इसको भून लूँगी, जो ये मसाले का तेल है इसके साथ ही ये चंक्स भूनेंगे तो बहुत अच्छे टेस्ट हो जाएगा। तो इसे अभी छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, इसको 5-6 मिनट ऐसे ही भूनने देंगे। तो अब जो अमृतसरी न्यूट्रिला का टेस्ट है और ख़ास इंग्रेडिएंट है ना, वो अब हम तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी रखे हैं और इसमें मैं 2 टी बैग डाल रही हूँ। अब जो न्यूट्रिला है ना, अमृतसरी न्यूट्री, उसमें चाय पत्ती का पानी डाला जाता है। ये वहाँ का ट्रेडिशनल खाना है अमृतसर का। तो अगर आपके पास टी बैग्स नहीं है तो आप चाय पत्ती के 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के उसे अच्छे से कड़ा लीजिए। अच्छे से हमें यहाँ पे कड़ाना है। तो देखिए यहाँ पे चाय पत्ती का पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे आ गया है। और यही मेन इंग्रेडिएंट है अमृतसरी न्यूट्री का। तो ये चाय पत्ती के जो टी बैग्स हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप अपनी चाय पत्ती को छान के डालिए अगर आप टी बैग्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये बॉईल हो चुका है और अब जो मेरा ये न्यूट्री का जो मसाला बन के तैयार था ना, अब मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगी। तो यहाँ पे आपको ग्रेवी कितनी थिक रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है, उसी हिसाब से आप चाय पत्ती का जो ये पानी है उसे तैयार करें। अगर ज़्यादा थिक रखनी है तो आप यहाँ पे कम डालें, और अगर ज़्यादा इसको ग्रेवी वाला बनाना था थोड़ा सा आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मैं इतनी ही ग्रेवी रखूँगी और इसे अभी मुझे पकाना है, अभी इसको हम पकाएंगे। तो यही एक खास इंग्रेडिएंट होता है अमृतसरी न्यूट्री का, जो क्या कहते हैं हम लोग खाते हैं ना कुलचे के संग, तो एक अलग सा टेस्ट जो आता है और हम लोग सोचते हैं कि यार इसमें ये ऐसा क्या डाला है जो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो यही इसका एक इंग्रेडिएंट है, छुपा हुआ इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं इसको। जो चाय पत्ती का पानी होता है ना, ये एक छुपा हुआ इंग्रेडिएंट से और एकदम लास्ट में इसे डाला जाता है। और इसे हम ढूंढते हैं जब हम लोग कभी रेस्टोरेंट में या कहीं पर हम लोग खाते हैं न्यूट्री कुलचा, तो यही इसका सीक्रेट है। तो अभी इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए इसको अभी 5-6 मिनट हो गए हुए हैं पकते हुए, और इसकी ग्रेवी अभी इतनी पतली है। तो अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी। तो जो ये अमृतसरी न्यूट्रिला है ना, इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डाली जाती है, और ये बिल्कुल कसूरी मेथी डालने के बाद रेस्टोरेंट स्टाइल आ जाता है, इसमें उसका टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये घर का न्यूट्रिला है या रेस्टोरेंट का है। तो इसे मैं थोड़ी देर और पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी डाली है तो थोड़ी देर और पकेगी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसका टेक्स्चर, कलर। तो यहाँ पे मेरी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मैं थोड़ा सा पतला रख रही हूँ, और ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रेवी कितना रखना चाहते हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी न्यूट्रिला तैयार है, अमृतसरी न्यूट्रिला। तो इसे आप रुमाली रोटी के संग या कुलचे के संग या पराठे रोटी, जिसके संग आपको अच्छी लगती है, आप उसके साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ इंजॉय कर रही हूँ। तो ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली अमृतसरी न्यूट्रिला की रेसिपी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।